का बुल्गारिया टी10 मुकाबला कवर करेंगे, लेकिन लगातार हमारे मेंबर्स जबरदस्त प्रॉफिट कर रहे हैं। लगातार टी10 मुकाबला हम लोगों के लिए बेहतर जा रहा है, सारे लोग विन कर रहे हैं और मैं भी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि मैं और हमारे तमाम फैमिली फिर से जबरदस्त प्रॉफिट करें। तो दोस्तों, आज का पहला मुकाबला जो खेला जाएगा SSP वर्सेस TRK के बीच, यहाँ पर मुकाबला खेला जाएगा 11 बजे। बात की जाए दोनों टीम, TRK की टीम बहुत सारे मुकाबले खेल रखे हैं तो सारे लोगों को चलो पता है। SSP की टीम में देखो मेन खासियत है कि बुल्गारिया टीम का नेशनल प्लेयर जो है ना, बहुत सारे इनके टीम पे है और 2021 के टी10 मुकाबले पे भी बहुत सारे लोग खेले थे। तो SSP का टीम बहुत ज़्यादा मतलब मजबूत लग रहा है, लेकिन क्या सारे बुल्गारिया के नेशनल प्लेयर क्या खेलेंगे? जितने स्क्वाड में एड है सारे खेलेंगे तो SSP की टीम बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र आएगी, और अगर यदि नहीं खेलता है तो भैया फिर TRK की टीम मजबूत नज़र आएगी। तो यानी कि लाइनअप पे डिपेंड रहना पड़ेगा, लाइनअप मैं दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। दूसरा चीज़ है कि कौन ओपनर है, कौन वन डाउन आएगा, टी10 में श्योर नहीं रहता है। जब लाइनअप से आधा घंटा पहले वो बैटिंग लाइनअप आता है वो श्योर कर देता हूँ और मैं अपने टेलीग्राम पे वहाँ पर अपडेट डाल देता हूँ। दूसरा चीज़ है कि फाइनल टीम, जो टीम से मैं खेलता हूँ वो टीम भी मैं टेलीग्राम पे देता हूँ, और GL से रिलेटेड GL टीम भी जो भी होता है, जो कि GL विन कर रहे हैं हमारे मेंबर, वो सारा अपडेट भी मैं टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ हमारे डोमेस्टिक प्लेइंग 11 पे। तो ज्वाइन करना किस प्रकार है? तो दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं जो हु बहु आपको डोमेस्टिक प्लेइंग 11 नजर आएंगे, उनसे आपको बचना है। ओरिजिनल चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक या फिर कमेंट पे पिन किया गया होगा, उनकी सहायता से जुड़ोगे तो ये ओरिजिनल चैनल पे चले आओगे। यहाँ पर बिल्कुल फ्री टीम प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों, TRK की टीम जो है ऑलरेडी बहुत सारे मुकाबले खेल रखे हैं, लेकिन लास्ट के दो मुकाबले पर नज़र डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर देख सकते हो वलीद खान की बात की, बढ़िया ऑलराउंडर है, एक विकेट लेंगे। देव पटेल भी काफ़ी बढ़िया है, इन्होंने भी एक विकेट लेंगे। अब्दुल खान की बात करें, एक विकेट। अब्बास जहीदी ठीक ठाक है, लेकिन खास फॉर्म पे ये नहीं चल रहे हैं। बल्लेबाजी देखिए जब मजीद अली का रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए फॉर्म कुछ साथ नहीं दे रहा है। अब्बास जहीदी यहाँ पर 4 और अब्दुल खान ने यहाँ पर 16। तो अब्दुल खान इम्पोर्टेंट यहाँ से क्यों होंगे? क्योंकि ये 2 ओवर भी डाल रहा है। इनके साथ दोस्तों TRK की टीम का देखा जाए 78 रन बनाने में 7 विकेटें गवा दी। जैद यहाँ पर ने 39 का योगदान दिया, वो भी 16 गेंदों पर, 2 चौके 4 छक्के, मजा आ गया। तो सारे यहाँ पर अगर यदि ऊपरी क्रम के 1-2 बल्लेबाज भी चल पड़ते तो एक अच्छा स्कोर जाता, और इस छोटे लक्ष्य को INB की टीम तो वैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भैया, आपको पता है। यहाँ पर वन साइडेड विन कर गई, क्योंकि M. Jones रोहित सिंह बुल्गारिया के नेशनल टीम के प्लेयर माने जाते हैं, तो यहाँ पर सारे गेंदबाज को अच्छी खासी पिटाई पड़ी, हालांकि यहाँ पर हार का सामना तो करना पड़ा। तो दोस्तों, टी10 मुकाबला की बात की जो सीरीज में खेले, देखो यहाँ से आपको समझना, ए रसूल की बात किया काफ़ी बढ़िया है, इनके अलावा यहाँ पर K. D'Souza देखा जाए ये नेशनल टीम का प्लेयर है तो खास नज़र रखना है, बाकी हमें लगता है ड्रिबलिंग का हिस्सा नहीं है। तो अभी जो कॉम्बिनेशन वक्त समझेंगे वहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेयर के बारे में बात करेंगे। फालतू का बड़ा स्कोर है, बड़े अदर प्लेयर के ऊपर फोकस करके फायदा नहीं है। हाँ, कोई नया प्लेयर खेल जाएगा तो टेलीग्राम पे तो उनका रिकॉर्ड मैं शेयर कर ही देता हूँ। बात रही बल्लेबाजी का, तो यहाँ पर देख सकते हो बल्लेबाजी इस प्रकार से इनका चलता है। K. D'Souza 1 डाउन आते हैं, 7वीं गेंदबाजी। M. Ali यहाँ पर देख सकते हो, बाकी यहाँ पर K. G. Orji कई बार गेंदबाजी करते हैं कई बार नहीं। D. Vinu भी गेंदबाजी करना चाहिए, पता नहीं इस मुकाबले में क्यों गेंदबाजी नहीं किया। D. Vinu नेशनल टीम का जबरदस्त प्लेयर है तो खास ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ से देखा जाए तो नेशनल टीम का प्लेयर भी आपको मिल जाएगा। K. D'Souza वैसे पार्ट टाइम गेंदबाजी करते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ओवर करना चाहिए। J. Elvin यहाँ पर D. Vargas की बात की जाए, देखो इनकी नेशनल टीम बहुत सारे मुकाबले खेलती है, जैसे कि इंडिया कभी जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलती है तो वहाँ पर संजू सैमसन को भी मौका मिलता है, और यहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलती है तो इंडिया के बड़े बड़े प्लेयर रोहित शर्मा विराट कोहली। तो सेम उसी प्रकार से बहुत सारे नेशनल टीम पे खेले हैं, कोई अलग टीम के खिलाफ कोई अलग टीम के खिलाफ, तो सारा स्कोर कार्ड दिखाना संभव नहीं होगा। इस वजह से कॉम्बिनेशन वक्त जो हम आपको बताएंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए बड़े बड़े प्लेयर होने की वजह से इन लोगों का बैटिंग लाइनअप यहाँ पर देख सकते हो। I. Kata Jareski की बात की जाए, D. Vargas की, J. Elvin की, K. D'Souza की, तो यहाँ पर डोमेस्टिक टी10 मुकाबले यहाँ पर ये लोग ऊपर बल्लेबाजी के लिए आना चाहिए, वैसे बैटिंग लाइनअप आ जाएगा तो वहाँ से सीधा सीधा तो पता चल जाएगा।
तो मेरे भाई कॉम्बिनेशन देखेंगे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी तक अगर यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ड्रीम इलेवन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इनके अलावे कोई जानकारी लेना हो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो ना, मैं वहाँ पर सारे लोग का रिप्लाई देता हूँ वो भी बेहतर तरीका से। तो दोस्तों चले यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है उनके ऊपर हम लोग यहाँ से बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से देखा जाए, सबसे पहले हम लोग जो न्यू टीम है उनके ऊपर हम लोग क्यों ना बात कर लिया जाए। देखो इनका रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया है विकेट कीपरिंग में, हमें लगता है कि ब्रैडली को यहाँ पर पिक करना चाहिए। इनकी खास बात है दोस्तों, इन्होंने लास्ट के 5 मुकाबले जहाँ T10 खेले, जहाँ पर 2 मैच में इन्होंने गेंदबाजी नहीं किया, 3 मैच में गेंदबाजी किया, 3 मैच में 2 मैच में एक एक विकेट, 1 मैच में विकेट लेस गए। तो मैं विकेट कीपर यहाँ पर गेंदबाज के ऊपर जाना पसंद करूँगा। के डसूजा कैप्टन वाज के लिए बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ये ओवर करेगा तो और भी ज़बरदस्त ऑप्शन होगा। डी भिनू की बात किया, बढ़िया ये प्लेयर है, यहाँ पर देखा जाए नेशनल टीम में ज़्यादा मौका नहीं मिल पाता है, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छा खासा गेंदबाजी भी और बल्लेबाजी भी करते हुए नज़र आना चाहिए। आई अहमद ठीक ठाक है, वैसे GL पर ट्राई करना, बाकी यहाँ पर AG और G भी ठीक ठाक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेहतर है उनके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। के कृष्ण कुमार की बात किया, इनका रिकॉर्ड मुझे ठीक ठाक लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनको मैं ट्राई नहीं करने वाला हूँ। इनके अलावा दोस्तों यहाँ से जैकोब का रिकॉर्ड यहाँ पर बढ़िया, कैप्टन भाज भी आप देख सकते हो अगर यदि पहले गेंदबाजी करे तो। बाकी यहाँ से देखा जाए तो SLE का रिकॉर्ड मुझे ठीक ठाक लगा, गेंदबाजी करना चाहिए, लेकिन देखा जाए लास्ट के अभी डोमेस्टिक कुछ हुए थे वहाँ पर काफ़ी कम गेंदबाजी इन्होंने करवाया। ए रसूल यहाँ से काफ़ी बढ़िया चॉइस है। एक कट्टा जरस्की की बात किया, वैसे इनको तो नेशनल टीम में खेलने का मौका मिलता है, लेकिन गेंदबाजी बल्लेबाजी थोड़ा कम करता है, लेकिन यहाँ पर बेहतर करना चाहिए। इनके अलावा यहाँ से KG और G यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, जो कि 2 ओवर जरूर ये करेगा। बाकी यहाँ से देखा जाए W खान A खान यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ये जहीदी को चाहो तो ट्राई कर सकते हो, इनका भी रिकॉर्ड बढ़िया है। देव पटेल कैप्टन भास के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इस सहानी की बात के अगर यदि ये खेलते हैं तो इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि लास्ट के कुछ मुकाबले इन्होंने नहीं खेले हैं। बाकी यहाँ से देखा जाए तो बल्लेबाजी सेशन में M अली भी काफ़ी बढ़िया, I बर्ड भी है, तो चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से नहीं करने वाला हूँ। इनके अलावा दोस्तों यहाँ से अगर ये देखोगे तो जैद का रिकॉर्ड यहाँ पर मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं कॉम्बिनेशन पे यहाँ पर एक गेंदबाज को ड्रॉप करके यहाँ पर जैद का ही यहाँ पर सिलेक्शन करें तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। और दूसरी चीज़ है कि SHANI यहाँ पर खेलेंगे तो SHANI को यहाँ से पिक कर लेंगे। कैप्टन VC की बात करें, देव पटेल यहाँ से देखा जाए तो लगातार ये बेहतर प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं, तो क्या इनको कैप्टन VC देना चाहिए? लेकिन हमारा मानना है कि हमारा कैप्टन होगा KD सूजा, यहाँ पर हमारा कैप्टनसी च्वाइस होना चाहिए। VC अगर SHANI खेलता तो SHANI, नहीं तो देव पटेल के साथ जा सकते हो। वैसे W खान भी बुरा ऑप्शन नहीं है, चाहो तो इनके साथ भी आप जा सकते हो। तो वो लाइनअप आने के बाद किनकी गेंदबाजी आ रही है, किनकी बल्लेबाजी, उनके अनुसार जो है ना हम लोग टीम पे बदलाव कर सकते हैं। तो मेरे भाई फिलहाल के लिए आप ये टीम सेव करके रख लो, इसमें जो भी चेंज होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा अपने टेलीग्राम चैनल डोमेस्टिक प्लेइंग 11 पे। तो आशा करते हैं लक्ष्मी माँ विसरी माँ ओल भगवान की कृपा से हम लोगों का रिजल्ट बेहतर जाए, सारे लोगों पर सरस्वती माँ की कृपा बनी रहे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ।